बना है, तो इस ट्रैक्टर में तो भाई वो पाइप दे रखा है अड़े तो वो बाफ निकलती रहे है, और इसकी वजह से भाई ट्रैक्टर भी लोड मतलब गर्म पड़ेगा ज्यादा, हीट पड़ेगा टेम्परेचर। तो राम राम जैसे बना भाई, एनडीआर वर्ल्ड ब्लॉग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है भाई। उम्मीद करते हैं सारे लोग बढ़िया होंगे। तो भाई आज की जो वीडियो है, आज की जो वीडियो भाई कतई नॉलेजफुल वीडियो रहेगी आप खातिर, और यो क्यूकर रहेगी भाई। आज की जो वीडियो है अपने सोनाली का DI-60 की वीडियो बनाने लग रहे, और उसमें भाई के दिक्कत है के दिक्कत नहीं है भाई सारा कुछ बताएंगे, क्यों वह चीज़ है भाई एक नॉलेजफुल भाई। जो भी अपना किसान भाई पुराना ट्रैक्टर ले रहे हैं या लेने की सोच रहे हैं उन खातर यह वीडियो है। तो भाई भी आए हुए हैं हम अपने खेत में, एक अपने किसान भाई के खेत में, और उसमें भाई अपना DI-60 रूटावेटर पर चल रहा है, और वो उसी के बारे में थोड़ी सी वीडियो बनावेंगे। तो भाई तो यो है अपना सोनाली का DI-60। तो भाई तो इससे यो 8 फीट रूटावेटर पर चल रहा है अपना, 60 HP का ट्रैक्टर है यार। लेकिन भाई 60 HP जितना जोर ना लगा रहा दिया, और जोर क्यों ना लगा रहा भाई, 60 HP है उसका डीजल भी ज़्यादा खा रहा है, और जोर भी ना लगा रहा, धुआं भी मार रहा है जोर भी ना लगा रहा, और जोर क्यों कर ना लगा रहे वो चीज़ हम आपने बताएंगे। कि भाई सबसे मेन बात रहती है ट्रैक्टर के इंजन के ऊपर डिपेंड है, जब ट्रैक्टर का इंजन पूरा पूरा जोर ना दे होगा तो सीधी बात है तेल भी खाओगा सारे काम भी करेगा। तो अभी जो है भाई 60 HP है, लेकिन भाई समथिंग वही 52 HP करीब या अपनी पावर दे रहा है सिर्फ 52 HP वाली, और वो कुकर दे रहा है भी। ट्रैक्टर आता है ना उस चीज़ ने भी हम अपने दिखावेंगे, नोटिस कराएंगे कुकर है ये चीज़। बाकी अगर यू 60 HP ना होता तो भाई इसमें ना चल सकता इस कंडीशन तक, और कंडीशन क्या है भाई साल इसकी, जो इसका इंजन है ना भाई वापसी मार रहा है, वापसी यानी बैक कंप्रेशन जो इसने बोल रहे हैं ना, जो और बैक कंप्रेशन आप सब भाई जब ट्रैक्टर चलाने लाग रहे तो आप सब ने भी इस चीज़ का बेरा हो गया भाई कि बैक कंप्रेशन क्या हो गया, उस तक के नुकसान रह गया ट्रैक्टर में। चल मैं अपना बता दूँ भाई, एक ना एक वापसी पाइप हो गया है जिस तक ट्रैक्टर टैफेटर होते हुए वो आवे है, मतलब पिस्टन की जो भी लीकेज रहती है ना पिस्टन की, वो जब भी बना है जब पिस्टन की लीकेज रहती है उस समय, क्योंकि भाई अभी हम देख रहे थे देखो ये जो 60 HP है खासकर सोनाली के DI-60 ना भाई दबता नहीं है, और ये 2010 मॉडल है इसमें भाई काम गणे हैं, इसकी जो पंप है वो भी मतलब पंप तो करवा रखी है लेकिन इसका जो बैक कंप्रेशन है जो व्यापसी मार रहा है इस वजह से जोर ना दे रहा है नीचे वाला। और ये चीज़ मैं अपने रुकवा कर भी दिखाऊंगा भाई, 60 HP जितना लोड ना ले रहा है इसकी भाई, डीजल पंप भी करवा रखिया और फिल्टर विल्टर सारे एक नंबर की सेट करवा रखिया, दिक्कत है इसके भाई बैक कंप्रेशन में, और बैक कंप्रेशन में भाई तो वो चीज़ भी हम अपने समझावेंगे बैक कंप्रेशन क्या हो गया है, उसका रीज़न क्या है, उसके बेनिफिट भाई बेनिफिट तो किमें ना मिले करते, साइड इफेक्ट ही मिले कर रहे हैं, तो वो चीज़ हम अपने समझाएंगे। अभी ट्रैक्टर जब से रुकता है ना रोकने पर अच्छा है, ये चीज़ भी हम अपने क्लियर कराएंगे बैक कंप्रेशन क्या हो गया है, और जोर जब बैक कंप्रेशन लग जाए ना भाई तो सीधी बात है जोर तो कभी लगा ही नहीं सकता ट्रैक्टर। तो बैक कंप्रेशन भाई जो भी भाई अपने किसान भाई पुराना ट्रैक्टर लेने की सोच रहे हैं ना भाई, किसी मिस्त्री द्वारा चेक करवा लें, वो बैक कंप्रेशन तो ना दे रहा। तो भी जब ट्रैक्टर रुकेगा ना तो अपना ये चीज़ भी बताएंगे। तो भाई इस चीज़ के बारे में बात कर रहा था, इससे बापा अंदा की है ना भाई भी कैमरे में ना दिख रही होगी, तो ये आवा है भाई हटा लिखट गया, और ये आवा है पिस्टन का अटैच होते हुए, तो भी चलाओ इसे ना आप बताओगे। तो भाई अपना जो इंजन का जो सिस्टम रहता है ना, वो सिस्टम रहता है जब कोई बाफ हो यानी कि लीकेज, पिस्टन जैसे ही डीजल जला हुआ है, जब डीजल जलाने के बाद में ना वह लीकेज रह जाए, मतलब साइलेंसर की बजाय वह पिस्टन कहीं और पर लीकेज कर जा है, तो इस वजह से जोर ट्रैक्टर बहुत कम लगा होगा,
कितना भी 60 HP का भाई, 70-90 HP भी होए ना तो अपनी 90 HP पूरी कैटेगरी ना दे होगा वा। जैसा यू सिस्टम है कि भाई 60 HP है तो भाई 50-55 HP वाली पावर दे रहा है जब देना। तो इसके बारे में भाई और भी बताएंगे हम अपने भाई। इब ट्रैक्टर अपना बंद कर लिया, इब सिस्टम अपने समझाते हैं भाई क्यों जोर ना लगा रहा है ट्रैक्टर। इसकी भाई जो पंप है वो पंप भी एक नंबर की करवा रखी है, और जो पिस्टन में भाई लीकेज रहती है, जो लीकेज रहती है उस वजह से ट्रैक्टर में बैक कंप्रेशन बना है। तो इस ट्रैक्टर में तो भाई वो पाइप दे रखा है, अरे तो वो बाफ निकलती रहे है, और इसकी वजह से भाई ट्रैक्टर भी लोड मतलब गर्म पड़ेगा, ज़्यादा हीट पड़ेगा, टेम्परेचर भी उठेगा, मतलब इतना ना उठेगा लेकिन नॉर्मल तो ज़्यादा उठ के चल जाएगा, और फिर जोर ट्रैक्टर कम लगाएगा। डीजल जो है ना भाई, जब एक बीघे में समथिंग 1 लीटर खा रहा हो ना तो उसमें 1 लीटर खाएगा लेकिन टाइम भी ज़्यादा लगा होगा, दबेगा ज़्यादा जब ट्रैक्टर दब के चलेगा, तो उस वजह से भाई काम भी हल्का रखेगा यार। 60 HP है लेकिन 60 HP वाला काम ना दे सकता, और कोई अगर 35 HP वाला हो ना तो वो 35 HP का भाई 30 HP वाला काम भी ना देगा। तो यो सिस्टम रहता है इस चीज़ का, बैक कंप्रेशन का। तो भाई जो भी भाई किसान भाई अपना चीज़ मतलब पुराना ट्रैक्टर लेने की सोच रहे हैं उस चीज़ के बारे में ख्याल रखना, भाई किसी मिस्त्री को दिखा लगे हो भाई, कोई भी पैसा गेरने तो पहले इस चीज़ के बारे में नॉलेज रखने, तो उससे बढ़िया यही चीज़ है किसी अच्छे से मिस्त्री ने दिखा लें। तो भाई अपना जो यो वीडियो थी बस इतनी थी भाई, बाकी अगर आपने वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल ने सब्सक्राइब कर देना। गाड़ी मारी और रखड़ी है ले बाद में ले। तो भाई अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और भाई बैक कंप्रेशन हमेशा स्लिप और पिस्टन की बजाय ही होते हैं। अगर वो चीज़ आप चेंज करवा दोगे ना, जब भी बैक कंप्रेशन ख़त्म होगा और वो चीज़ बैक कंप्रेशन ना ख़त्म करवाया आपने तो भाई ट्रैक्टर जोर ना लगाएगा, डीजल पूरा खाओगा, टाइम भी ज़्यादा लगा होगा। तो इस वजह से भाई यही सिस्टम रहता है। फिर वीडियो ने भाई लाइक कर दो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, बाकी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के राम राम।